भोपाल में बोरी में बंद मिली नवजात बच्ची की गुरुवार को मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया स्थित मॉर्चरी भेजा गया है। बच्ची को फेंकने वाली संदेही नर्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसकी पहचान हुई। संदेही नर्स 14 साल की लड़की की डिलीवरी कराई थी। परिवार ने बदनामी के डर से नवजात को ठिकाने लगाने का जिम्मा नर्स को ही दिया था। उसने बाग उमराव दुल्हा का पास रेलवे ट्रैक के किनारे नवजात को फेंक दिया था। नाबालिग स्कूली छात्रा बताई जा रही है, जिसका बरखेड़ी में रहने वाले नाबालिग से अफेयर चल रहा था। आरोपी 17 साल का नाबालिग है। वह पीड़िता का ममेरा भाई है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने पीड़ित नाबालिग, उसकी मां, नाबालिग आरोपी और नर्स आसमा उर्फ फिरदोस को नामजद आरोपी बनाया है। पुलिस आसमा के सहयोगी डॉक्टर की भी तलाश कर रही है। उसने नाबालिग की डिलीवरी कराने के लिए एक डॉक्टर की भी मदद ली थी। अभी प्रथम दृष्टया जो कथन है परिजनों के, उसमें ये सामने आया है कि जो नाबालिग लड़की बालिका है, जिसकी ये बच्ची थी, 14 वर्षीय है और विगत 7 महीनों से वो गर्भवती थी। इसमें अभी तक ये सामने आया है कि अपने ममेरे भाई से जो भी संबंध थे इनके, इसमें भी पॉक्सो, चूँकि पॉक्सो अपराध की श्रेणी में आता है ये, तो इसमें भी जो नाबालिग बालिका है उसके कथन जब हो जाएंगे न्यायालय में, उसके बाद इसमें भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग अपनी मां के साथ जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में रहती है। उसके पिता 10 साल पहले मां को छोड़ चुके हैं, वह अलग रहते हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें भी पूछताछ के लिए तलब किया था। पुलिस आरोपी के खिलाफ रेप और पॉक्सो की धाराओं में भी केस दर्ज कर रही है। मंगलवार देर रात बोरी में बंद कर मासूम को फेंकने वाली महिला के सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे। वीडियो में एक महिला घटनास्थल के करीब दिखाई थी। फुटेज के आधार पर पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ एफआईआर की थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। वह नर्स है और नवीन नगर ऐशबाग में रहती है। जिस नाबालिग की डिलीवरी हुई थी वह 8वीं पास छात्रा है। हालांकि करीबी रिश्तेदार की ज्यादती की वजह से पढ़ने नहीं जा रही थी। वहीं डिलीवरी के लिए परिवार ने नर्स आसमा को 60,000 रुपए एडवांस दिए थे। नवजात को ठिकाने लगाने के लिए कुल कितने रुपए नर्स को देने थे यह अभी पता नहीं चला है। इस मामले में ऐशबाग पुलिस ने BNS की धारा 93 के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। धारा 93 के तहत अगर पेरेंट्स या पालन पोषण करने वाले 12 साल से कम उम्र के बच्चे को त्यागने के इरादे से किसी भी जगह पर छोड़ेंगे तो उसे कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया जा सकता है।